साल 2019 में AIMIM ने हैदराबाद से बाहर महाराष्ट्र में एक सीट जीतकर पूरे देश को चौंका दिया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए इस बार छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां वैसा ही प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं लग रहा। जबकि अपने कार्यों के दम पर पार्टी के मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील ने लोकप्रियता खूब हासिल की। पूरे दो दशक यानी 1999 से 2019 तक औरंगाबाद सीट शिवसेना के कब्जे में रही और यहां से शिवसेना UBT के नेता चंद्रकांत खैरे ही जीतते रहे। 2019 में ओवैसी की पार्टी इस सीट से जीती, लेकिन जीत का अंतर बहुत मामूली महज 4,500 वोटों का था। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद इस सीट पर वोटों की गुणागणित में भी भारी परिवर्तन नजर आ रहा है। जो चंद्रकांत खैरे यहां से खान चाहिए की बान का नारा देकर खुद को हिंदुत्व के नेता के रूप में पेश करके चुनाव जीते थे, आज इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी होने की वजह से वो खुद को सेकुलर साबित करने को मजबूर है, क्योंकि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस सीट पर चुनावी समीकरण इस बार बदल चुके हैं। इसलिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार ने अब ध्रुवीकरण वाला दांव आजमाने की कोशिश छोड़ दी है। औरंगाबाद शहर में एक प्रोविजन स्टोर चलाने वाले शहीद अनीस ने शहर में पहली बार हुए सांप्रदायिक विवादों का हवाला देते हुए कहा, वो खैरे आए और हमें बताए कि पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए। पिछले चुनाव में खैरे की हार के पीछे कनाड़ के पूर्व विधायक हर्षवर्धन यादव की उम्मीदवारी की वजह माना जाता है, जिनके पक्ष में 2,83,798 वोट पड़ गए थे। माना गया कि हिंदू वोटों में यही विभाजन तत्कालीन शिवसेना प्रत्याशी की हार का बड़ा कारण बना। इस बार यहां NDA की ओर से शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के राज्य मंत्री संदीपन भूमरे को उतारा है और जाधव फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में मौजूद है। इस लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटें BJP और शिवसेना के पास है, इसलिए भूमरे को लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है। इस तरह से इस बार सीट पर बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। वैसे खैरे को लगता है कि क्षेत्र के समीकरण में बदलाव उनके पक्ष में हुआ है और वो जलील को हराने में सफल होंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी के सांसद ने बीते 5 वर्षों में अपने काम के दम पर एक लोकप्रियता भी अर्जित की है। मसलन एक स्थानीय निवासी कहते हैं, इतने वर्षों में हमें जलील जैसा सांसद नहीं मिला। वो औरंगाबाद में 400 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनवा रहे हैं। उन तक पहुंचना आसान है, वो दूसरे नेताओं जैसे नहीं है। जब लोगों से पूछा गया कि AIMIM एक सांप्रदायिक राजनीतिक गुट है, तो लोग कहते हैं कि जलील सही आदमी है जो गलत पार्टी में। पिछली बार जाधव को जो वोट यहां से मिले थे उनमें से ज्यादातर मराठा समुदाय के बताए जाते हैं, लेकिन भाजपा से नाराजगी की वजह से माना जा रहा है कि इस बार ये वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को जा सकते हैं। इस तरह से इस बार छत्रपति संभाजी नगर की सीट बहुत ही उलझी हुई है, जिसका परिणाम चौंका सकता है।